वेलकम टू CIZ प्लस। इस वीडियो में हम देख रहे हैं UPPSC AE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस और उससे रिलेटेड जितने भी हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक्स बनते हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या मेन फोकस एरियाज हैं हमारे पढ़ने के, वो सब हम देखेंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर 1 नवंबर को एग्ज़ाम है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, 712 पोस्ट हैं। 2013 के बाद अब पेपर हो रहा है, आपको पता स्टेट जॉब्स कितनी ज़्यादा रिलेटिव है, इतने इतने सालों के बाद एक साथ इतनी पोस्ट आती हैं, तो हमें पता है इतना ज़रूरी एग्ज़ाम है। ड्यू टू कोविड सिचुएशन बहुत सबकी प्रिपरेशन भी लैग कर गई है। इतने छोटे से टाइम में किक स्टार्ट के लिए हमें क्या कर लेना है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं उनको अच्छे से कर लेना है एक बार। साथ साथ वीडियो को देखते देखते आप पॉज करते करते क्वेश्चन करते जाइए, मेरा सॉल्यूशन देखते जाइए, और जो मैं उसके साथ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताता हूँ वो क्वेश्चंस को रिटेन करने में, याद करने में हेल्प करेगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये CIZ प्लस के द्वारा। आपको पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 2013 के 360 क्वेश्चंस की पूरा सॉल्यूशन आंसर की सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। बात करते हैं हमारे CIZ प्लस के लंपसम पैक की। अगर आप ये वीडियो सीरीज तो चल ही रहा है UPPSC, लेकिन अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करनी है, अभी भी बहुत शॉर्ट टाइम है, हमने इतने शॉर्ट टाइम को रिगार्डिंग देखते हुए ही ये कोर्स निकाला है। हमारा कोर्स है UPPSC AE लंपसम पैक। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, इस कोर्स में आपको जितने भी रेलिवेंट सब्जेक्ट्स हैं सिविल इंजीनियरिंग के, उनके शॉर्ट और ट्रेंडिंग टॉपिक्स, उनकी वीडियोस मिलेंगी, 10-15 वीडियोस मिलेंगी पर सब्जेक्ट, जो कि शॉर्ट एंड प्रिसाइज होंगी। उसके साथ आपको क्विजेज मिलेंगी पर सब्जेक्ट, 3 क्विजेज, असाइनमेंट्स, और हमारा डाउट सेशन होगा जिसमें आप डाउट्स पोस्ट कर सकते हैं। हम लोग 24 आवर्स के विदिन आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, www.cizplus.com या फिर हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन बहुत यूज़फुल है, आप लोग अभी डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। आप लोग उसको डाउनलोड कीजिए, बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं हमारे पास, हमारे पेड कोर्सेज हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। इसका प्रीवियस ईयर UPPSC AE का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्वेश्चंस देखते हैं। आज के लेक्चर में हम क्या देख रहे हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। इस पूरे UPPSC AE की पूरी सीरीज में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है। तो क्या पता चलता है, एनवायरमेंट को नहीं छोड़ के जा सकते, ज़्यादातर क्वेश्चन थ्योरी के हैं, एनवायरमेंट के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फिल इन द गैप, सी वाटर कंटेन्स डैश ऑफ द ऑक्सीजन कंटेंट इन द फ्रेश वाटर स्ट्रीम। देखो कह रहा है कि जो सी वाटर है ना, वो फ्रेश वाटर से कितना परसेंटेज ऑक्सीजन कंटेंट करता है। जैसे कि मान लो फ्रेश वाटर में ऑक्सीजन कंटेंट कितना है, 100 यूनिट्स, तो सी वाटर में उसका कितना परसेंट है, हमें याद करने के लिए समझ लेना है, सी वाटर कंटेन्स 20% लेस, ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन 20% लेस कंटेन करता है, तो डैट आंसर क्या होगा इसका, 80%, डी ऑप्शन। समझने के लिए समझ सकते हो, जितना ज़्यादा पानी फ्रेश होगा, जितना फ्रेश वाटर होगा, जितना ज़्यादा फ्री फ्रॉम सॉल्ट्स, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, फ्री फ्रॉम एनीथिंग होगा, प्योर वाटर की सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, और सी वाटर डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन होता है, कितना, 20%। आगे चलते हैं, वन सेकेंड। क्वेश्चन है, सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी, एक सीवर में टर्म होती है सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी, पूछ रहे वो क्या होती है, वेलोसिटी एट द ड्राई वेदर फ्लो, कह रहा है वेलोसिटी एट द ड्राई वेदर फ्लो होती है क्या, वेलोसिटी एट द ड्राई वेदर फ्लो, वेलोसिटी ऑफ वाटर एट फ्लशिंग, जब हम फ्लश करते हैं उसके दौरान वेलोसिटी, वेलोसिटी एट विच नो अक्यूमुलेशन रिमेन्स इन द ड्रेन, या वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ प्रेशर फिल्टर। तो देखो इसका आंसर है सी, और मैं एक्सप्लेन करता हूँ वाई। देखो सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी वेलोसिटी जो हम अटेन करें मिनिमम फ्लो के दौरान भी, जिसमें देखो यार, सीवर पाइप में क्या होता है, सीवेज होता है,
सीवेज क्या होता है, लिक्विड प्लस सॉलिड, और सॉलिड की क्या टेंडेंसी रहती है, सेटल डाउन करने की, जो सीवेज का स्लज होता है बेसिकली वो चिपकने की कोशिश करता है मेरे सीवर मटेरियल पे। तो मैं क्या कहता हूँ, एक सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी तो रहे सीवर में, ताकि ये जो सॉलिड होगा मेरा ये अकुमुलेट ना करे इसकी सरफेस पे, ये फ्लो डाउन करा दे इसको वाटर, इसको सेल्फ क्लींजिंग अपने आप क्लीन हो जाए। देखो सीवर की टाइम टू टाइम क्लींजिंग तो होती ही है ओवर, पर हर रोज तो नहीं कर सकते हम पूरा सीवर को क्लीन, तो हमें कुछ चाहिए कि हमारा जो सीवेज में पानी है, जो वाटर कंटेंट है, वो अपने आप क्लीन कर दे। डैट इज यूजफुल टर्म सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, इसका प्रॉपर रिलेशन है कि कैसे निकाला जाता है। तो बोल रहा है कि ऐसी वेलोसिटी एट विच नो अक्यूमुलेशन रिमेन्स इन द ड्रेन, कि ड्रेन में सॉलिड रिटेन ना करे, वो फ्लो हो जाए, मिनिमम वेलोसिटी होती है जिस पे फ्लो, इससे अगर सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी से कम वेलोसिटी हम रखेंगे सीवर में तो सॉलिड रिटेन कर सकता है। सेल्फ क्लींजिंग के बाद जितनी भी वेलोसिटी होगी उसके बाद सॉलिड फ्लो कर जाएगा, ठीक है। दैट इज सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन ही पूछी थी, आई होप क्लियर है सबको। आगे चले, क्या होता है, फॉलिंग इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। अब ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है, एयर पॉल्यूशन में दो तरह के पॉल्यूटेंट होते हैं, फर्स्ट इज प्राइमरी पॉल्यूटेंट, व्हाइट से दिखाते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट, सेकेंड इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। फर्क क्या है सर इसमें, फर्क क्या है, मान लो एक सोर्स से, जैसे लेट्स से एक चिमनी से कुछ पॉल्यूटेंट्स निकले बाहर एयर में जाने के लिए, अगर वो पॉल्यूटेंट्स जैसे सोर्स से निकले थे, जैसे पैदा हुए थे, वैसे ही एयर में मौजूद रहे, जैसे कि लेट्स से इस चिमनी में से सल्फर डाइऑक्साइड निकली, सल्फर डाइऑक्साइड निकली और एयर में वो सल्फर डाइऑक्साइड ही बनी रही, तो सल्फर डाइऑक्साइड कैसा पॉल्यूटेंट हुआ, प्राइमरी पॉल्यूटेंट। लेकिन कुछ पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कुछ चेंज हो जाते हैं, जैसे कि पर्टिकुलेट मैटर है, जैसे कि, या फिर ओजोन, एक तरह का ओजोन एक टाइप का मेरा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। ओजोन किस तरह बनता है, मेरा फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है उसकी पैदाइश है मेरा ओजोन। ये ओजोन स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन नहीं है, ओजोन लेयर वाला ओजोन नहीं है, ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, जो मेरे एटमॉस्फेयर में ओजोन है, जो कि हार्मफुल है, एयर पॉल्यूटेंट है ओजोन, जो ग्राउंड लेवल ओजोन है बेसिकली। तो ये ओजोन किससे, फोटोकेमिकल रिएक्शन से, फोटोकेमिकल स्मोक के दौरान पैदा होता है, ओजोन सोर्स से नहीं निकलता, किसी और फॉर्म में बनता है। तो ओजोन एक बहुत इम्पॉर्टेंट, हमें लगता है कि ओजोन तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट ही होगा, सिंपल सा है, ये नहीं देखना, एग्जांपल्स याद होने चाहिए, प्राइमरी कौन से होते हैं, सेकेंडरी कौन से होते हैं, और सेकेंडरी में एक इम्पॉर्टेंट वन इज ओजोन, ओजोन इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, अ मॉडर्न लैंडफिल इज रिक्वायर्ड टू, जो मॉडर्न एरियाज में, अर्बन एरियाज में जो लैंडफिल्स होती हैं उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसकी, हैव अ लीचेट कलेक्शन सिस्टम। अरे ये लीचेट क्या होता है, लीचेट होता है यार, देखो बिल्कुल शॉर्ट में समझाता हूँ, मान लो ये लैंडफिल है, लैंडफिल कुछ ऐसा ही होती है, कूड़े का ढेर बेसिकली, मतलब हम डिगिल में करते हैं लेकिन उसके बाद भी कुछ रह जाता है ना, ऊपर पहाड़ बन जाता है। अब मान लो यहाँ पे बारिश हुई, ठीक है, बारिश क्या करेगी, इस कूड़े से रिएक्ट भी करेगी, सॉलिड वेस्ट से रिएक्ट भी करेगी, और पानी क्या करेगा, सीप इन करेगा, कहाँ, ग्राउंड वाटर में। अब ये जो इस पानी, इसने सॉलिड वेस्ट से रिएक्ट किया ना, इस अब ये पानी प्योर तो रहेगा नहीं, जैसा गिरा था वैसा तो रहेगा नहीं, इसके साथ रिएक्ट करके डिकम्पोज होके बैक्टीरियल रिएक्शंस के बाद एक बहुत हार्मफुल सा केमिकल निकलता है, जिसको वो वाटर नहीं रहता, अब तो केमिकल बन गया, जिसको नाम दिया जाता है लीचेट। लीचेट एक बहुत हार्मफुल कंपाउंड, जो कि बहुत सारे डिजीजेस, बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस है बेसिकली। तो लीचेट की क्या प्रॉब्लम है ना, लीचेट ये बन गया, यहाँ पे जमा हो गया, अब ये लीचेट ग्राउंड वाटर में नहीं जाना चाहिए, अगर ग्राउंड वाटर में लीचेट मिल गया तो वो ग्राउंड वाटर हम कंज्यूम तो करेंगे किसी ना किसी फॉर्म में, तो वो ग्राउंड वाटर हमारे लिए बहुत डेंजरस पड़ जाएगा, उसकी ट्रीटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम चाहते हैं ये जो लीचेट मटेरियल होना तो है ही, अब आप इसको
लैंडफिल को कवर तो कर नहीं सकते, लीचेट बनेगा तो है ही, हम लीचेट को क्यों ना कलेक्ट कर लें और उसको कहीं सेफली डिस्पोज कर दें। तो बोल रहा है कि लीचेट का कलेक्शन सिस्टम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात। सेकंड, हैव अ प्रॉपर वाटर प्रूफ क्ले और अ प्लास्टिक लाइनर एट अ बॉटम। ये उसी तरह की चीज़ है, लीचेट को कलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं ना, कई बार जियो टेक्सटाइल्स लगा देते हैं, कई बार कोई पॉलिथीन, कुछ ऐसा कोई मतलब नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन, कोई ऐसी प्लास्टिक सरफेस या फिर कोई क्ले, कोई लाइनर ऐसा लगा देते हैं जहाँ पे लीचेट इकट्ठा हो जाए मेरा, उससे पास ना करे ग्राउंड वाटर में। बिल्कुल सही। सराउंडेड बाय अ ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग वेल। इसमें क्या होता है, अब ये मॉनिटरिंग वेल क्यों बनाया जाता है, ये भी सही है, ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग वेल बना देंगे यहाँ पे कहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे इसका पानी, लेट से मैं ये पेन ड्राइव हटा देता हूँ, ठीक है। इस ये जो पानी है ना, मैं ग्राउंड वाटर का एक मॉनिटरिंग वेल बनाते हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग, इस ग्राउंड वाटर की कंडीशन चेक करते हैं इसके आसपास। अगर इस ग्राउंड वाटर वेल में मुझे लीचेट का कुछ भी सब्सटेंस मिलता है, कुछ भी छोटा सा अमाउंट मिलता है, इसका मतलब मेरा ये जो सिस्टम है सही से काम नहीं कर रहा, लीचेट तो ग्राउंड वाटर में जा रहा है, ये टेस्टिंग वेल है। तो इससे मेरे को ये एक इंडिकेटर हो गया बेसिकली, ये मेरे को बता रहा है कि लीचेट तो नहीं मिल रहा कहीं ग्राउंड वाटर में। तो ये सराउंडेड बाय ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग वेल भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, डी, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही। इससे इससे हमने क्या देखा, लीचेट की जितनी भी उसका प्रावधान था वो सारा हमने एक क्वेश्चन के द्वारा ही देख लिया। आगे चलते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज्ड फॉर, अरे कार्बन तो सुना था, ये एक्टिवेटेड कार्बन क्या होता है। एक्टिवेटेड कार्बन होता है बेसिकली हाईली स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ कार्बन, बहुत ही कार्बन का बहुत ही फाइन वर्जन, पाउडर्ड फॉर्म में कार्बन, एक्टिवेटेड कार्बन। आपने फेस वॉशेस के बारे में सुना होगा, इट कंटेन्स एक्टिवेटेड कार्बन, एंटी पॉल्यूशन, ये सब सुना है ना। बेसिकली एक्टिवेटेड कार्बन का क्या काम होता है, एक्टिवेटेड चारकोल है तो बेसिकली इसका क्या काम होता है, इसकी जो सरफेस एरिया होता है ना बहुत ज़्यादा एड्सॉर्बिंग नेचर का होता है, मतलब इतने छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं ना एक्टिवेटेड कार्बन के, तो वो क्या करते हैं एड्सॉर्बिंग नेचर का, उनकी हाई सरफेस एरिया होता है कि गैसेस को, पॉल्यूटेंट्स को, अदर चीज़ों को बहुत जल्दी से एड्सॉर्ब कर लेता है अपनी सरफेस के ऊपर। तो एक्टिवेटेड कार्बन का वाटर ट्रीटमेंट में क्या काम होता है, एक्टिवेटेड कार्बन एसी से डिनोट कर रहा हूँ, एक्टिवेटेड कार्बन क्या करता है ना, टेस्ट, कलर एंड ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल, टेस्ट, कलर और ऑर्डर को रिमूव करता है। मान लो आपने पानी तो जैसा तैसा उसकी सारी इम्प्योरिटीज तो मिटा दी, लेकिन जो टेस्ट, कलर और ऑर्डर है ना वो डिजॉल्व मिनरल्स के कारण, डिजॉल्व इम्प्योरिटीज़ के कारण ज़्यादा आता है। तो टेस्ट, कलर और ऑर्डर जो कि बहुत अदर प्रोसेस के कारण नहीं निकल पाता, ये उस तीनों को रिमूव कर देता है। बेसिक सी थ्योरी एक्टिवेटेड कार्बन की ये है। हम इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा हुआ है। एक्टिवेटेड कार्बन इज यूज फॉर डिस इन्फेक्शन, नहीं, डिस इन्फेक्शन का मतलब कीटाणु मारना, बैक्टीरिया मारना, बेसिकली उसको डिस इन्फेक्ट करना, नहीं ये तो नहीं है। रिमूव हार्डनेस, नहीं हार्डनेस तो नहीं रिमूव कर रहा, हार्डनेस तो बेसिकली सेडिमेंटेशन, कॉगुलेशन, फ्लोकुलेशन से रिमूव हो रही है, नहीं। रिमूविंग ऑर्डर, ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन, डी बिल्कुल नहीं। रिमूविंग कोरोसिवनेस, कोई मतलब ही नहीं कोरोसिवनेस से, रिमूविंग ऑर्डर इज द राइट आंसर। कलर भी होता, टेस्ट भी होता, तीनों ऑप्शन सही है। अल्कलिनिटी इन वाटर इज एक्सप्रेस्ड एज Mg इन टर्म्स ऑफ, अल्कलिनिटी होती है वाटर में एक, बोलते हैं कि अल्कलिनिटी का क्या मतलब होता है, टेंडेंसी टू रिएक्ट विद H+ आयंस, बेसिकली अल्कलिनिटी का ये मतलब होता है पानी में कुछ अल्कलिनिटी होती है किसी ना किसी फॉर्म में। अब वो अल्कलिनिटी किसी ना अलग अलग फॉर्म में होती है, जैसे कि कार्बोनेट अल्कलिनिटी CO3 2- के कारण, HC3O- के कारण, और मेरा किसकी वजह से होती है OH- माइनस के कारण, इन सारे आयंस के कारण मेरी होती है अल्कलिनिटी प्रोड्यूस होती है। लेकिन मेरे को एक कहते हैं कुछ कांस्टेंट चाहिए, किसके टर्म्स में मैं अल्कलिनिटी बताऊं, HCO3- अपनी देगा, CO3 2- अपनी देगा, OH- अपनी देगा, ये तीनों आयंस, ऐसे तो बहुत सारे आयंस अल्कलिनिटी देते हैं, मुझे इसको यूनिफाइड सिस्टम चाहिए। तो मैं किस जनरली किसी भी चीज़ को किस में
टर्म्स में बताता हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में, CuCO3 की टर्म्स में हम बोलते हैं 50 mg पर लीटर अल्कलिनिटी इन टर्म्स ऑफ मतलब अगर इतनी अल्कलिनिटी को आप कैल्शियम कार्बोनेट की टर्म्स में दिखाओ तब वो 50 है, अगर किसी और कंपाउंड की टर्म्स में दिखाओ तो कुछ चेंज हो जाएगी। हम जनरली कैल्शियम कार्बोनेट को एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं और इसकी टर्म्स में ही अल्कलिनिटी को भी, हार्डनेस को भी इसकी CaCO3 की टर्म्स में डिनोट करते हैं। आगे चलते हैं, एसिड रेन्स, एसिड रेन का नाम सुना होगा आपने, जनरली पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन की देन एसिड रेन इज आर कॉज्ड बाय फॉलिंग पॉल्यूटेंट्स। किस किस पोल्यूटेंट से होती है, पहले मैं थोड़ा सा एसिड रेन के बारे में बता देता हूँ। होता क्या है, फैक्ट्री से उड़ा धुआं, धुएं में है कुछ ऐसे कंपाउंड्स जो कि ऊपर जाके मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो एसिड क्या करेगा, वाटर के साथ मिलके जब रेन होगा, क्लाउड्स में एसिड आ जाएगा और वो वाटर के साथ जब प्रेसिपिटेशन होगी तो वो एसिड भी उस पानी में मिला होगा, तो बेसिकली जो मेरा वो रेन होगी वो एसिडिक होगी। एसिडिक रेन कब होती है, जब उसका पीएच 5.6 से कम होता है। थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इतनी इम्पॉर्टेंट भी नहीं। उसका पीएच 5.6 से कम होता है तब हम क्या बोलते हैं, एसिडिक रेन है। मतलब एसिडिक रेन की भी कोई क्लासिफिकेशन हुई ना, कितना पीएच होना चाहिए रेन वाटर का, 5.6 से कम। तो ये कौन से कंपाउंड्स होते हैं जो ऊपर जाके क्लाउड के साथ, वाटर वेपर के साथ मिलके मेरा एसिड बना देते हैं, ये कंपाउंड्स होते हैं SO2 एंड NOx। बेसिकली NO2, N2, जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, बेसिकली NO2 होता है, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन के बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं तो NOx लिख दिया हमने जनरल करने के लिए। SO2 एंड NOx, बेसिकली मैं SO2 का एग्जांपल लेके बताता हूँ, होता क्या है, SO2 प्लस H2O मिलके बनाते हैं H2SO4। H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वाटर वेपर के साथ मिलके एसिडिक रेन बनाता है। एसिडिक रेन बहुत हार्मफुल है मॉन्यूमेंट्स के लिए, हमारी स्किन के लिए, वेजिटेशन के लिए, हमारी ओवरऑल एग्रीकल्चर के लिए एसिड रेन बहुत ज़्यादा हार्मफुल पड़ती है। जहाँ भी सॉइल में गिरेगी वो सॉइल एसिडिक हो जाएगी, वो लेस फर्टाइल हो जाएगी। एसिडिक रेन के बारे में इतना ही, आगे चलते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर ऑफ विद द ब्लीचिंग पाउडर इज नोन एज, हमें पता है जो डिसइंफेक्शन है ना वो बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं हम लोग। कैसे कैसे कर सकते हैं, क्लोरीनेशन कर सकते हैं, उसको पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्ट करा सकते हैं, उसको आयोडीन ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करा सकते हैं, उसको ओजोन के साथ रिएक्ट करा सकते हैं, और उसको ब्लीचिंग पाउडर से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे स्विमिंग पूल्स में ब्लीचिंग पाउडर डाला जाता है उसको साफ करने के लिए, तो इतने तरीके से अगर ट्रीटमेंट ऑफ वाटर विद ब्लीचिंग पाउडर की, इसलिए किया जाता है डिसइंफेक्शन के लिए ताकि जर्म्स मर जाएं सारे, उसके लिए किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है प्रीक्लोरीनेशन, नहीं, प्रीक्लोरीनेशन का तो मतलब कि ट्रीटमेंट से पहले ही क्लोरीनेशन करना ना, इसका क्या मतलब, सुपर क्लोरीनेशन, सुपर क्लोरीनेशन मतलब जरूरत से जितना एक्सेस में क्लोरीनेशन करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल जाए। पेंडेमिक जब हो जाता है, मान लो सिटी में कोई पेंडेमिक आ गया, उस केस में हम सुपर क्लोरीनेशन करते हैं ताकि पानी की मैक्सिमम सेफ्टी रहे। तीसरा है डीक्लोरीनेशन, मतलब क्लोरीनेशन हद से ज़्यादा हो गई, क्लोराइड्स ज़्यादा हो गए पानी में, तो हम क्या करते हैं, डीक्लोरीनेशन करते हैं, पानी की क्लोराइड्स हटाते हैं। लास्ट ऑप्शन इज हाइपोक्लोरीनेशन, इसका आंसर है हाइपोक्लोरीनेशन। अरे हाइपोक्लोरीनेशन क्यों, ये तीनों तो समझ आ गए, ये दोनों तो मतलब नहीं, हाइपोक्लोरीनेशन का ब्लीचिंग पाउडर से मतलब है, क्योंकि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना उसको हाइपोक्लोराइट भी बोलते हैं, है ना, इंटरेस्टिंग। हाइपोक्लोराइट इज सेम एज ब्लीचिंग पाउडर, और इसका इसका फॉर्मूला क्या होता है,
CaOCl twice, that is ब्लीचिंग पाउडर, इससे रिएक्ट करा के भी हम लोग डिसइंफेक्शन करते हैं। तो इसीलिए हाइपोक्लोराइड टर्म से नाम आया हाइपोक्लोरिनेशन। आगे चलते हैं, वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड्स, एक टर्म होती है वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड, जिसको ऑक्सीडेशन पॉन्ड भी बोलते हैं। जनरली ये फैकल्टेटिव नेचर की होती है, ऊपर एरोबिक होती है, बीच में फैकल्टेटिव होती है, बॉटम में एनएरोबिक होती है। अच्छी खासी थ्योरी है इसकी। पूछते हैं इसमें पूछा क्या है, एरोबिक है, एनएरोबिक है, फैकल्टेटिव है, एनी ऑफ द अबव है। बिल्कुल सही, एनी ऑफ द अबव है इसका आंसर। क्योंकि मैं थोड़ा सा पॉन्ड बना के बता देता हूँ। मान लो ये पॉन्ड है, होता क्या है ना यार, इस पॉन्ड में चल रही होती है एल्गल सिम्बायोसिस। एल्गल सिम्बायोसिस अपने आप में एक अच्छी खासी थ्योरी है, मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। बेसिकली ना इस वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड में एक अपना इकोसिस्टम पैदा हो जाता है। होता क्या है, ऊपर का जो पानी होता है वो तो होता है एरोबिक, क्यों, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट मिल रही है हमें, वो होता है एरोबिक, वहाँ पे सनलाइट है, वो क्लियरर वाटर है, तो ऊपर तो होता है मेरा एरोबिक जोन, बीच में होता है मेरा फैकल्टेटिव जोन। फैकल्टेटिव मतलब एरोबिक और एनएरोबिक दोनों बैक्टीरिया है यहाँ पे, और यहां होता है एनएरोबिक। तो ये जो फेस स्टेबलाइजेशन पॉन्ड है ना, ये डेप्थ डिपेंडेंट होती है। बॉटम में जाओगे एनएरोबिक कंडीशन मिलेगी, बीच में फैकल्टेटिव मिलेगी, टॉप पे एरोबिक मिलेगी। तो हम कह नहीं सकते, हम बोलते हैं कोई भी कंडीशन आपको मिल सकती है वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड में, एक तरह से कैटेगराइज नहीं कर सकते हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। द सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी, अभी बताया सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। पूछा फॉर सीवर इन इंडिया, इंडियन सीवर्स में, अब इंडियन सीवेज की अपनी कुछ टाइप होगा, अपने करेक्टरिस्टिक्स होंगे, उस सीवेज के हिसाब से हम लोग जनरल क्या रेंज रखते हैं सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी की। हम लोग रखते हैं 1 से 1.2 मीटर पर सेकेंड इज द सेल्फ क्लिनजिंग वेलोसिटी ऑफ इंडियन सीवेज। इंडियन सीवेज में हम लोग क्या रखते हैं, 1 से 1.2 तक जनरली हमारी रेंज रहती है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताने वाली रेंज नहीं है, बेसिकली फैक्चुअल डेटा है, बुकिश नॉलेज है, आप लोग इसको याद रख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है, इससे क्या हो रहा है, यूवी रेज एंटर कर जा रही है हमारे एटमोसफेयर में, हमारी ग्राउंड कंडीशन में, उसका मेजर पोल्यूटेंट्स क्या रिस्पॉन्सिबल है। हमें पता है ओजोन लेयर कौन मेजरली कौन डिप्लीट करता है, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी एफ सीज। ये सी एफ सीज कहाँ मिलते हैं, जनरली कूलिंग सिस्टम्स में, रेफ्रिजरेटर्स, एसीज, एरोसोल, ऐसी कंडीशन में मिलते हैं मुझे सी एफ सीज। बहुत सारी कंट्रीज इस पर बैन कर रही हैं, क्योंकि सी एफ सीज ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में जाके ओजोन से रिएक्ट करके उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि ओजोन की डिप्लीशन हो जाती है। आप लोग इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं कि ओजोन लेयर डिप्लीट होती क्यों है, सीएफसीज के कारण, बेसिकली रिएक्ट कर जाते हैं ओजोन से। तो सीएफसीज, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, आर द मेजर कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। आगे चलें, तो आप देख सकते हैं, मतलब एयर पॉल्यूशन का बेसिकली जनरल सी टर्म है। हाँ, बहुत सारे लोगों को, इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो ना भी हों उनको भी पता होगा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट करते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जनरल अवेयरनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। आम जिंदगी में पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए इन सारी चीज़ों की, ज़रूरी नहीं है हर कुछ हम इंजीनियरिंग बुक से ही गेन करें, सारी चीज़ों में नॉलेज होनी चाहिए। आगे चलें, द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है, एक एयर पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करता है। इज अ डिवाइस यूज टू कंट्रोल, किस किस चीज के लिए कंट्रोल करता है, सल्फर डाइऑक्साइड एमिशंस के लिए, ना सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन को नहीं कंट्रोल करता है किसी भी तरीके से। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या करता है ना, बेसिकली एक चैम्बर होता है, ठीक है, इसमें से हम पास कराते हैं गैस, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है,
एक साइड होता है पॉजिटिव, एक साइड होता है नेगेटिव। ये मैं बहुत रफ में बता रहा हूँ आपको, ऐसा मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिवाइस है ऑब्वियसली। इसमें क्या होता है ना, हम वाया इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, इसको इस गैस से पास करवाते हैं इस इलेक्ट्रिक चैम्बर से। और क्या होता है, जो पर्टिकुलेट मैटर होता है, जो कि गैसेज में लेट से छोटे छोटे सूट पार्टिकल्स, कोई पर्टिकुलेट मैटर है जो बेसिकली जो हमारे लंग्स में डीप डाउन पेनिट्रेट करके रेस्पिरेशन प्रॉब्लम्स बढ़ाता है, जो कि काफ़ी हार्मफुल है। आपने सुना होगा PM 10, PM 2.5, ऐसी टर्म सुनी होंगी, पर्टिकुलेट मैटर 10। इसका मतलब ऐसा मैटर, ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 10 माइक्रोन या उससे कम है, 2.5 माइक्रोन या उससे कम है। इन सब्सटेंसेस को ये रिमूव करता है गैसेस में से, बेसिकली एयर पोल्यूटेंट्स, जो हमारा जो एयर जा रही है, जो चिमनी से एयर निकल रही है, बेसिकली एयर जो निकल रही है बेसिकली गैसेस से, क्या करता है, पीएम पर्टिकुलेट मैटर को रिमूव कर देता है। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, पर्टिकुलेट एमिशन, बेसिकली पर्टिकुलेट मैटर का एमिशन को कंट्रोल करता है मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीवरेज ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट मेथड हैज इनहेरेंट प्रॉब्लम ऑफ ऑर्डर पॉन्डिंग एंड फ्लाई न्यूसेंस। तीनों प्रॉब्लम समझ लेते हैं, ऑर्डर मतलब स्मेल की प्रॉब्लम, पॉन्डिंग मतलब पानी वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, ठीक है। फ्लाई न्यूसेंस का मतलब जो मक्खियाँ होती हैं, मक्खी मच्छर, उनकी उनकी प्रॉब्लम। तो ऑर्डर, पॉन्डिंग और फ्लाई न्यूसेंस एक तीनों लिमिटेशंस हैं, तीनों डिसएडवांटेज हैं ट्रिकलिंग फिल्टर के। जो सिंगल रेट ट्रिकलिंग फिल्टर होता है ना, बेसिकली ट्रिकलिंग फिल्टर एक ना मतलब थोड़ा सा ओल्ड हो गया है, ओल्ड कंसेप्ट हो गया, सिंगल रेट ट्रिकलिंग फिल्टर खाली खामखा, मतलब बेसिकली रूरल एरियाज में ज़्यादा यूज होता है ट्रिकलिंग फिल्टर, और वहाँ पे ओपन स्पेस चाहिए होती है इसको, लार्ज एरिया चाहिए होता है बनाने के लिए। लेकिन अक्सर ये काफ़ी हेल्पफुल भी है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के काम आता है बेसिकली ट्रिकलिंग फिल्टर। लेकिन इसमें इससे प्रॉब्लम क्या होती है, इसका जो रेट होता है ना उतना स्लो होता है कि बेसिकली जब तक मेरा जो वेस्ट है वो नीचे तक फिल्टर होगा, उसमें टाइम इतना लगता है कि ऑर्डर की प्रॉब्लम, जो कि क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस सीवेज को डिकम्पोज करके उसको उसके साथ रिएक्ट करके बनाते हैं, पॉन्डिंग और फ्लाई न्यूसेंस की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है सिंगल रेट ट्रिकलिंग फिल्टर। जबकि हाई रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, जो कि मतलब डबल रेट ट्रिकलिंग फिल्टर, उसमें ये प्रॉब्लम एलिमिनेट हो जाती हैं। लेकिन नॉर्मली ट्रिकलिंग फिल्टर की ये तीन लिमिटेशंस हैं, ठीक है। तो ये थी आज के एनवायरनमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स। मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट करूंगा आप लोग CIZ+.com पे, और एक बार एंड्रॉयड एप्लीकेशन हमारी डाउनलोड करके एक बार आप हमारा कोर्स चेकआउट कर लीजिए। हमारा बहुत ही यूज़फुल कोर्स है, UPPSC AE का लमसम पैक है हमारा, जो कि काफ़ी आपको काम आएगा। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए फोकस दें, जो कि आपको रहना चाहिए, अगर आपने उस एग्ज़ाम को फिल किया है, हमें अच्छे से देना है उस एग्ज़ाम को, तो आपको उसको बहुत अच्छे से प्राइस पे आपको वो कोर्स मिल रहा है, आपको लमसम पैक मिल रहा है, आप लोग उसको परचेज़ कीजिए। साथ ही साथ आपको अगर हमारे साथ जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इवन हमारा व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पे हमारी लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन और प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज, बेसिकली लेटेस्ट पेपर्स, ये सब हम लोग फ्री में प्रोवाइड करते हैं। बेसिकली एक अच्छा स्टडी ग्रुप है बेसिकली हमारे पास, व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम पे भी। और मोर और इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग विजिट कर सकते हैं www.cizplus.com, या फिर डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन सिज प्लस ऐप ऑन प्ले स्टोर बेसिकली। थैंक यू। इसी तरह इंजीनियरिंग की और भी कंसेप्चुअल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप और टेलीग्राम के लिंक्स के साथ जुड़ सकते हैं। और कंप्लीट कोर्सेज के लिए आप जाएं www.cizplus.com पर, या फिर आप मोबाइल ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नाम है CIZ+, एंड इट्स लिंक इज ऑल्सो अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।